अमेरिका की एक गलती जिसने हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान का वजूद ही खतरे में डाल दिया। खुद को सुपर पावर कहने वाली कंट्री अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के एक फैसले ने अफगानिस्तान को तालिबान का गुलाम बना दिया। हालांकि उन्होंने इसका जिम्मेदार पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ठहराया है। इतना ही नहीं, अब तो ISIS के खुरासान आतंकवादी ग्रुप का इसमें कूदना प्रॉब्लम्स को और भी ज्यादा गंभीर बना चुका है। ये अफगानिस्तान तालिबान विवाद की वीडियो द साइड आई पर थोड़ी लेट आई है, लेकिन खबर पक्की है, इसलिए खबरों में बने रहें और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले ताकि आपको इसी तरह की अपडेटेड न्यूज और फैक्ट्स मिलती रहे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका ने ये तर्क देते हुए अपने आर्मी को पीछे बुला लिया कि जिस युद्ध को अफगानिस्तान नहीं लड़ना चाहता उस युद्ध के लिए वो अपनी जान क्यों दे। बस फिर क्या था, तालिबानी आतंकियों को अफगानिस्तान पर अपनी हुकूमत कायम करने का मौका मिल गया और आज अफगानिस्तान की स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे 1919 से पहले ब्रिटेन के हुकूमत में थी। आज फिर अफगानिस्तान गुलामी की जंजीरों में जकड़ चुका है। 1990 के दौरान भी तालिबानी हुकूमत थी, लेकिन वे इतने मजबूत स्थिति में नहीं थे। आज के समय तालिबान के पास जितने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं, उतने दुनिया के 85% देशों के एयरफोर्स के पास भी मौजूद नहीं है। उनकी ताकत और भी ज्यादा इसलिए बढ़ गई क्योंकि अमेरिकन फौज के वापसी के दौरान अमेरिका अपने 1.25 लाख करोड़ के आधुनिक हथियार वहां छोड़ आए हैं, जिसमें 7,500 आर्मी ट्रक्स, 200 हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ 6 लाख आधुनिक बंदूक और राइफल्स शामिल हैं। आज तालिबानियों के पास इतनी क्षमता है कि वो अफगानिस्तान में अपनी एयरफोर्स खड़ी कर सकता है। तालिबान के पास सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि उनके पास लेटेस्ट नाइट विजन, बॉडी आर्मर और मेडिकल सप्लाई भी है। इसके साथ साथ आपको यह जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि उनके पास अब वो बायोमेट्रिक डिवाइसेस भी हैं जिनमें उन अफगान नागरिकों की पहचान छिपी है जिन्होंने 20 साल तक अमेरिकी सेना की मदद की, और किसी के पास कोई ऐसी रणनीति नहीं है जिसके द्वारा उन बायोमेट्रिक डिवाइसेस को वापस लाया जा सके। यानी हथियारों के साथ साथ इंटेलिजेंस इनपुट का तालिबानियों के हाथ लगना मामले की गंभीरता को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। 15 अगस्त को जब हम लोग अपनी स्वाधीनता दिवस का जश्न मना रहे थे, उसी दिन तालिबान का काबुल पर फतह करते ही तालिबान का राज शुरू हो गया था। काबुल में तालिबानियों की एंट्री के साथ ही राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया। इस बात से ये साफ साफ जाहिर होता है कि किसी देश के लिए एक मजबूत आर्मी के साथ साथ एक निडर और मजबूत सरकार क्यों जरूरी है। अफगानिस्तान में सत्ता बदलाव के बाद भारत की मुश्किलें भी बढ़ गई है। भारत ने अफगानिस्तान में बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया है। सुरक्षा संबंधी चिंताओं और भारत के हितों की रक्षा कैसे हो, इस पर लगातार केंद्र में चर्चा का दौर जारी है। इसी बीच तालिबानियों ने ये आश्वासन दिया है कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते पहले जैसे रहेंगे, मगर ये आने वाला समय ही तय करेगा। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद गंभीर स्थिति के बीच काबुल एयरपोर्ट पर हुए आत्मघाती हमले में 13 अमेरिकी सैनिक और लगभग 100 नागरिकों की मौत हो गई। इसकी जिम्मेदारी ISIS के खुरासान ग्रुप ने ली है जो अमेरिका और तालिबान का कट्टर दुश्मन है। ISIS खुरासान ISIS की ही एक शाखा है जिसे जनवरी 2015 में तालिबान के पाकिस्तानी सहयोगी के असंतुष्ट सदस्यों द्वारा स्थापित किया गया था। आज इसमें आतंकियों की संख्या 3000 से ज्यादा नहीं है, लेकिन तालिबानियों के लिए सबसे बड़ा खतरा ISIS के ही है। तालिबान यहाँ विक्टिम कार्ड खेलने से भी बाज नहीं आया। ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक आतंकी ग्रुप दूसरे आतंकी ग्रुप को अशांति और डर का माहौल बनाने का जिम्मेदार बता रहा है। मुझे पता है स्थिति गंभीर है, लेकिन मेरा द साइड आई चैनल की तरफ से एक संदेश है उन अफगानी भाइयों से जो अपने वतन छोड़कर भाग रहे हैं। अपने हक के लिए लड़ना सीखिए। जब आप अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो कोई भी देश आपकी मदद नहीं कर सकता। थैंक यू।